तीन गुड न्यूज दूंगा अपने इस लॉफ्ट में गाइस। तीन गुड न्यूज हुई है और थोड़ी देर पहले दो थी, अभी एक गुड न्यूज और हुई तो वो अभी भाई ने बताया। तो मुझे दोस्तों हमारा जो भाई ये वाला ग्रेवार है इसकी भाई हमने जोड़ तोड़ दी है, मतलब इसकी फीमेल जो है वो हम कहीं दूर दे आए हैं। तो अभी भाई ये अकेला रहेगा कुछ दिन और भाई हम जल्दी से जल्दी बस वेट कर रहे हैं, मतलब हम जल्दी से जल्दी भाई ढूंढ रहे हैं कि आज जल्दी से इन्हें, ये कल आया है और ये दो या तीन दिन पहले आया है। तो इनने भी एक अंडा दे दिया था और आज माशाल्लाह से उसके नीचे से एक क्यूट सा बेबी निकल आया है। ये देखो भाई मैं आपको बताऊं, आप बोलोगे इसने अंडा दिया था तो बोलो आपने अंडा कहाँ रख दिया। तो गाइस हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि यार आप सभी भाई ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जैसे कि यार लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था हमारा जो छोटी वाला पैर है उसके जो नीचे अंडे रखे थे वो एक क्रैक था। तो अभी भाई हम देखेंगे उसके नीचे क्या यार उसमें से बच्चा निकला या फिर नहीं निकला। और गाइस जैसे कि भाई मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था हम तीन न्यू फेंटेल इंडियन पिजन्स, मतलब इंडियन फेंटेल पिजन्स लाए थे, जिसमें से गाइस दो तो भाई सेल हो चुके, एक भाई ने मतलब दो तीन भाइयों ने बोल के रखा था मैं लूँगा, तो एक भाई ने सबसे पहले बात कर ली थी तो वो दोनों मैंने मतलब उनसे बात कर ली है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं उनको वो दोनों फेंटेल पिजन्स दे दूँगा, एक तो अपना वही रेड वाला और दूसरा भाई वही तो दो बास टाइप में फेंटेल फीमेल थी वो। तो आज की इस वीडियो में गाइस बहुत कुछ बताऊंगा, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर दें। और सबसे पहले आप लोग देख सकते हो भाई ने ईंट मिट्टी और रेत कूट के रख दी है, इसमें भी और वाटर ड्रिंकर भाई उसने पहले ही धो के मतलब अच्छे से साफ करके रख दिया है उसमें पानी वगैरह भर के। तो अभी अपन क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले अपने सारे ही कबूतरों को खोल देते हैं। आओ, ये देख सकते हो गाइस। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारा जो ये ग्रेवार मेल है इसकी भाई मैंने लास्ट वीडियो में बोला था जोड़ तोड़नी है और अभी भाई हमने इसकी जोड़ तोड़ दी है। अब इसकी फीमेल को गाइस हमने कहीं दूर पहुंचा दिया है, इससे तो दूर, लेकिन भाई सेल नहीं किया। आप बोलोगे कि भाई सेल कर दी, सेल नहीं किया है अभी भाई, इसको इससे अलग कर दिया है ताकि जैसे ही इसको फीमेल मतलब एक दो दिन अकेला रहेगा तो फिर ये गुटकना चालू कर देगा। तो हम इसके लिए भाई नई फीमेल भी ढूंढना है, अभी नहीं मिली है तो कोशिश करेंगे भाई इसके लिए जल्दी से न्यू फीमेल मिल जाए और इसकी जब जोड़ लग जाएगी तो इस वाली इसकी जो फीमेल है वो अपन जल्दी से फिर वापस ले आएंगे। अभी तो अब तक भाई इसको अकेला रहने देते हैं। और देखो वो आ चुका है रेड मेल जो कि भाई सेल हो गया है, जो अपन ने लास्ट वीडियो में मंगवाया था अपनी फेंटेल फीमेल के लिए। और बाकी तो यार इन सब बच्चों को मैं करता हूँ बाहर। अब ये भी यार धीरे धीरे करके खुद ही खाना वगैरह तो खाने लगे, तुम भी चलो ये देख सकते हो गाइस। और मैं आपको एक कुछ चीज़ें और बताता हूँ, चलो सबसे पहले क्या करते हैं अपन इस साइड के शिराजियों सबको लक्खाओं को सबको खोलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ आ आ आ आ आ और इस साइड के कबूतरों को भी खोलते हैं, इसमें कौन कौन है। अच्छा ये देखो भाई आ जाओ, और इस साइड के सारे कबूतरों को भी यार अपन खोल देते हैं। तो गाइस देख सकते हो यार सारे ही कबूतरों को खोल दिया है और ये रहा येलो इंडियन मेल जो कि अपन अपनी येलो फीमेल के लिए लेकर आए हैं। चलो तो भाई देख सकते हो यार इतने सारे कबूतर हैं और अभी इनमें से भी काफी कुछ जाने वाले हैं, मैं भी आपको बताऊंगा, मतलब तीन चार शिराजी तो फिर भी अभी होंगे ही हमारे पास जो कि भाई देने वाले हैं। और ये आ चुकी है गाइस फीमेल, ये भी जा चुकी है इस मेल को और इस फीमेल को मैंने दे दिया है अपनी वाली छोटी वाली फीमेल और वो वाला रखा मेल, इनकी अब अपन गाइस जोड़ बनाएंगे। बाकी तो आप देख सकते हो सारी कबूतर मस्त हैं और कुछ तो मिट्टी वगैरह भी खा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, सबसे पहले तो भाई आना अपन वो छोटी वाले का देख लें बच्चा, देखो अभी तो फीमेल बैठी है पर। और गाइस ये जो छोटी वाला पेयर है इसके जो नीचे अंडा था जो कि ख़राब होने ही वाला था उसके नीचे भाई ये देखो एक बच्चा निकला है, देख सकते हो आप लोग। और बाकी इसका बट्टा कहाँ है भाई, ये बैठा है, ये यहीं बैठे रहते हैं, पता नहीं इनके साथ क्या मसला है। इसको मैं निकालता हूँ, आ जाओ, इसको रखता हूँ अभी मैं इधर, चलो। और बाकी ये देखो हमारा रेड मुखी बच्चा भी माशाल्लाह से भाई काफ़ी सही है, ये देख सकते हो गाइस रेड ही निकलेगा, है ना, मुझे तो भाई रेड ही लग रहा है। तो अपने लॉफ्ट में गाइस पहली बार रेड बच्चा निकलेगा मुखी का, येलो भी निकल चुका, ब्लैक भी निकल चुका और फर्स्ट टाइम भाई इंशाल्लाह अब की बार रेड बच्चा भी निकलेगा। और बाकी तो यार ये देखो इसको बाहर जाओ ना यार, चलो बाहर चलो चलो
रात को बिल्ली भी आई थी अपने, वो तोड़ के चली गई कटोरा। तो भाई दाना वगैरह तो कर ही दो इन सब। तो भाई देख सकते हो ये आ चुका है अपने कबूतरों का दाना। आ आ आ आ आ आ आ, ये देखो भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा। और अभी गाइस मैं आपको अपने लॉफ्ट की दो गुड न्यूज़ दूंगा कि भाई अब मुझे एक गुड न्यूज़ तो पता थी और एक गुड न्यूज़ भाई अभी हुई है, बिल्कुल जस्ट अभी मैंने देखा क्या लॉफ्ट में दो गुड न्यूज़ हो चुकी हैं। तो अभी मैं आपको गाइस दोनों गुड न्यूज़ बताऊंगा। सबसे पहले गाइस अपन भाई इनको दाना खाने देते हैं, उसके बाद गाइस मैं आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ बताता हूँ, आप भी सुनकर आपको भी भाई मज़ा आ जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यार, सारे ही कबूतरों ने दाना खा लिया है और अंदर जाने वाले मतलब जो खा के अंदर जाते हैं वो अंदर जा चुके हैं। और उतनी देर में गाइज मैंने दो बच्चों को हैंड फीड भी कर दिया, एक तो अपना ब्लैक शिराजी इनका बच्चा और एक अपना रेड शिराजी जो कि खुद खाने लगा है, लेकिन भाई फिर भी मैं उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत खिला देता हूँ। अब मैं आपको गाइज दो नहीं तीन गुड न्यूज़ दूंगा अपने इस लॉफ्ट में। गाइज तीन गुड न्यूज़ हुई हैं और थोड़ी देर पहले दो थी, अभी एक गुड न्यूज़ और हुई तो वो अभी भाई ने बताया, तो मुझे नहीं पता था गाइज, ये अभी मुझे मेरे भाई ने बताया। तो चलो भाई सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अभी जो मुझे पता चली उसका। तो गाइज रेडी रहना आप लोग, ठीक है भाई, देखना आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोल देना। तो गाइज ये जो मैं शिराजी लाया था, ये देखो भाई इन्होंने अंडा दे दिया है और ये वही पेयर है जिससे मेल सिल्वर लगा है। ये वाली की तो जोड़ा अलग थी, वो वाला जो मेल लगा है ना सिल्वर, आपको क्लियर दिख रहा होगा, वो मेल और ये फीमेल। तो गाइज ये पेयर मैंने कहा था भाई ये सेल के लिए पेयर है, तो इन्होंने एक अंडा दे दिया है। अब भाई जिस किसी को भी पेयर चाहिए होगा मैं अंडे के साथ ही दे दूंगा, यार मुझे इसका अंडा नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये जिसको मतलब पेयर चाहिए होगा मैं उसको अंडा भी दे दूंगा और दूसरा अंडा भी हो सकता है आज शाम तक या कल तक दे दे, और आपका ही फायदा है, शिराजी अंडा भी मिल जाएगा, वो बच्चे ले लिए तो भी भाई बहुत अच्छी बात है, आपका और फायदा है, ठीक है भाई। तो ये तो गुड न्यूज़ थी, मैंने अभी हाल देखी, मैंने कहा भाई मज़ा ही आ गया, अपने न्यू पेयर ने भी अंडा दे दिया, ऐसी ब्रीडिंग हो तो भाई मज़ा ही आ जाए। और दूसरी गुड न्यूज़ मैं बताऊँ क्या है, आपको बताता हूँ दूसरी गुड न्यूज़। हमारे जो गाइस ये वाला पेयर है ना, येल्लो और ये ब्लैक दोबास फेंटेल, इनको मैंने कल बंद करा था, कहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर। अरे यार तुम ये मत करो, ठीक है। तो ये फीमेल है और मैं आपको बताता हूँ ये मेल है। तो गाइस कल मतलब मैंने देखा भाई ये वाला पेयर था, इसने कल शाम को ही एक अंडा, कल शाम को ही दिया था ना, हाँ कल शाम को ही तो दिया है हाँ। तो गाइस कल माशाल्लाह से इन्होंने भी एक अंडा, जैसे इनका आगे आया हुआ है ना, कल शाम को भाई इनका एक अंडा भी था, वो देख के भाई मैं तो खुशी हो गया, मैंने कहा भाई ये पेयर कल ही मंगवाया और कल ही भाई उन्होंने अंडा भी दे दिया, तो भाई मज़ा ही आ गया था माशाल्लाह से। अपने ये कल आया है और ये दो या तीन दिन पहले आया है, तो इनने भी एक अंडा दे दिया, इनने भी एक अंडा दे दिया, तो हो सकता है आज दूसरा अंडा दे दे। और ये वाला पेयर तो भाई जा ही चुका है, तो ये वाली फीमेल जाएगी और इसका जो बेटा था रेड, ये वाला मेल जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंडे को यार थोड़ा सा पीछे रख देता हूँ, हाँ कुछ नहीं कर रहा, बैठ जाओ। और इस वाले पेयर ने अंडा दे दिया, ये दूसरी गुड न्यूज़ थी जो कि गाइज मुझे आपको बताना थी और मैंने आपको बता दी। अभी मैं इसको थोड़ा सा बंद करता हूँ कुछ ऐसे, क्या दूसरे कबूतर भाई इनको डिस्टर्ब ना करें, ऐसे बंद कर देते हैं। अब जो नीचे आने वाला होगा नीचे चला जाएगा। ये भी गाइस बड़ा मुश्किल है भाई इसमें सरवाइव करना, क्योंकि बेचारे बैठे रहते हैं अंडों पे और कोई ना कोई ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है, ये वाला कबूतर उसमें घुस जाता है और अंडे मतलब लगभग ख़राब ही होने वाले होते हैं, लेकिन अब भाई बच्चा निकलेगा तो मज़ा आएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि इनके अंडे ख़राब हो गए हों, क्योंकि काफ़ी दिन से बैठ रहा है और मैंने देखा था नस वगैरह भी भाई बन रही है। तो भाई ये हमारा बड़ा ही प्यारा सेंटीनेट का पेयर है, बस इनका एक बार बच्चा देखना है हमें। और बाकी मैं आपको बताऊँ, आप बोलोगे इसने अंडा दिया था तो ज़रूर ही आपने अंडा कहाँ रख दिया, तो गाइस वो अंडा मैंने रख दिया इनके नीचे, ये देखो भाई आप लोग देखना ये। तो गाइस ये वाली जो फेंटेल है भाई ये बहुत दिन से अंडा ही नहीं दे रही, पता नहीं क्या मसला है, मतलब अंडा देना चाहती है अंडा दे नहीं पा रही, क्या हो रहा है। तो तीन बार हो चुका, मतलब
ऐसे बैठी रहती हैं, फिर मेटिंग वगैरह करती हैं, मेल भी खूब क्रॉस करता है, लेकिन फिर पता नहीं अंडा ही नहीं दे पाती। तो मैंने वो अंडा इनके नीचे रख दिया। मैंने कहा भाई शायद ये पाली लें, कम से कम भाई पाली है तो भी हमारा काम हो जाएगा, आप कम से कम अंडा नहीं दे रही तो बच्चा ही पाल के दे दो, जो कि गाइस हमने इन वाली फेंटेल के नीचे का रखा है। अब देखते हैं थोड़ी देर में, मुझे लग रहा है या आज दूसरा अंडा भी दे दे, या हो सकता है एक ही अंडा दे अंडा ही ना दे, क्योंकि भाई काफ़ी दूर से सफ़र करके आई थी, मुझे लग रहा है शायद एक ही अंडा देगी, दूसरे अंडे का शायद मूड ना हो, लेकिन भाई देखा जाएगा, दूसरा दे दिया तो और अच्छी बात है। और अभी मैं आपको गाइस बताता हूँ तीसरी गुड न्यूज़। सबसे पहले तो यार तुम सब हो जाओ दूर, और बेटा तुम निकलो यहाँ से, और तुम्हें करता हूँ मैं यहाँ बंद। तो गाइस तीसरी गुड न्यूज़ ये है कि गाइस फाइनली माशाल्लाह से हमारे जो कि मैंने एक ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो डाली थी, उसमें दो सरप्राइज एक आए थे, और मैंने एक अंडा रखा था ग्रेवार के नीचे जो कि धोखा हो गया था, मैंने वापस उठा के इनके नीचे रख दिया था, और इनके नीचे जो एक अंडा था इनका वो मैंने इनके नीचे रख दिया था जो कि बच्चा निकल आया था। तो अभी गाइस माशाल्लाह से भाई ने देखा है, कल अंडा क्रैक था और आज माशाल्लाह से उसके नीचे से एक क्यूट सा बेबी निकल आया है। ये देखो भाई माशाल्लाह, भाई ज़रूर बोल देना एक बच्चा हमारे इधर फाइनली निकल आया है, तो भाई मज़ा ही आ गया। और अगर भाई ये बच्चा बच गया और इनने पाल के बड़ा कर लिया तो वो क्या चीज़ बनेगी गाइस, आप भी देखते रहोगे। जैसे गाइस आपने इसका वेट किया है, आज कितनी तारीख है रुशान, 15 है ना, हाँ गाइस तो आज 15 या 16 तारीख है, जो भी है मैंने 29 से 30 तारीख को इनके नीचे अंडे रखे थे माशाल्लाह से, अब बच्चे निकल आए 17-18 दिन में। अब भाई बस आप थोड़ा दिन और रुक जाओ, मतलब नेक्स्ट फरवरी चल रहा है, मार्च तक की 15 तारीख तक अगर भाई एक महीने के बच्चे हो गए फिर आप इनका साइज वगैरह देखना गाइस, आपको भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो अभी इनको भाई बच्चे को पालने देते हैं, पालो पालो माशाल्लाह से। और इनके नीचे एक मुखी का अंडा रखा है और एक इनका खुद का है, जो यार इस बार मैं चाह रहा हूँ इनसे दो अंडे पलवाना, तो भाई ये दो अंडे पाल लेंगे ना तो भी भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो बाकी गाइस देख सकते हो यही सब चल रहा है अभी तो अपने लॉफ्ट में, और बाकी हमारा लॉन्ग फेस बच्चा भी कोशिश कर रहा था, अभी मैंने देखा उस दाना उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो भाई आप लोग देख ही सकते हो। बाकी ये कबूतरों को भी अभी मैं 5-10 मिनट के बाद थोड़ा घूम फिर लें, उसके बाद भाई इनको भी मैं बंद कर दूंगा। तो दोस्तों ये तो थी गाइज आज की हमारी वीडियो, जिसमें कि गाइज मुझे आपको अपनी एक लॉफ की एक गुड न्यूज़ बताना थी, पर गाइज देखा तो भाई मज़ा ही आ गया, मैंने आपको भाई तीन गुड न्यूज़ बता दी, क्योंकि मुझे खुद अभी पता चली वीडियो बनाते टाइम ही कि भाई दो और मतलब एक शिराजी ने अंडा दे दिया, और एक हमारा जो ये छोटी वाला पैर है इनके नीचे जो हमने फेंटेल भोपाल सेंडे मंगवा के रखा था एक बच्चा भाई उनका निकला, तो आई होप कि यार दूसरा बच्चा भी निकला। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस ग्रेबार की जोड़ तोड़ दी है, मतलब ग्रेबार की फीमेल हम कहीं दे आए हैं, अब वो जब भी वापस लाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, अभी ग्रेबार कुछ दिन अकेला रहेगा, और हम भाई जल्दी से चाह रहे हैं कि उसके लिए भाई अच्छी सी कोई ग्रेबार या लेवेंडर कुछ भी अच्छी बड़ी फीमेल मिल जाए, अगर भाई फीमेल मिल गई तो मज़ा आ जाएगा, अपन अपने ग्रेबार की न्यू जोड़ बनाएंगे। और आप लोग सोच रहे होगे कि भाई जोड़ तोड़ी क्यों, भाई 8 से 9 महीने हो गए थे, अंडे भी दे रही थी, बच्चा नहीं बन रहा था, बच्चा नहीं निकल रहा था, फर्स्ट टाइम में बच्चा बना था जब बिल्कुल नई जोड़ लगाई थी, और उससे पहले हम ग्रेबार लाए थे दूसरी फीमेल थी, जब उसने एक बार दो बच्चे निकाले थे, उसके बाद एक बार बच्चा निकला था लेकिन अंडे में ही मर गया था, उसके बाद गाइस 3-4 बार अंडे दिए लेकिन भाई बना नजबनी ना बच्चे बने कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए गाइस हमने ये सोच के भाई जोड़ तोड़ी है, जोड़ तोड़ना भी जरूरी है, जब कबूतर ऐसा करे तो फिर तोड़ देनी चाहिए। अब हम दूसरी फीमेल लगा के देखते हैं, अब भाई हुआ तो इंशाल्लाह जरूर बच्चे निकलेंगे, बस फीमेल मिल जाए। तो गाइस ये तो थी गाइस आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।